शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वैसे डाकिनी थी कौन? वो? हाँ? वो एक काशी थी। आप छोड़िए ना इसे बातों को, आप खुशी मनाइए, आज बहुत खुशी का दिन है। चलो ये खुशी की बात हम माँ से भी साझा करते हैं। चलो माँ। रानी साहब तो किसी पंडित जी से मिलने गई है, कुछ जरूरी काम था उन्हें। पंडित जी से मिलने गई? पर वो गई कब? वो सिद्ध बाबा ने जब उस डाकिनी को अपने कब्जे में कर लिया तब वो चली गई थी। कल आ जाएंगी। पूरा महल ढूंढ लिया लेकिन पता नहीं मासी कहाँ है। अरे यहाँ तो देखा ही नहीं, देखता हूँ शायद यहाँ मिलेगी। आखिर कहाँ ढूंढूं मासी को? मासी आप इसमें? लेकिन कैसे? आप चिंता मत कीजिए, अभी आपको बाहर निकालता हूं। तुम्हारा पैर थोड़ा सा उधर कर लो। वो कहना कि हमें हाथ पैर फैला करके सोने की आदत है। थोड़ा सा तुम्हारा तकिया दे दिया, तुम्हें जिस तरफ सोना था वो जगह भी दे दी, और अब लो पूरा का पूरा बिस्तर भी दे दिया। खुश? मैं नीचे ही सो जाऊंगी, तुम अपने हाथ पैर फैला कर सो जाओ। अब तुम्हें नीचे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है सुनो। तुम आ जाओ यहाँ पर, हम कम जगह में ही सो जाएंगे। तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मासूम हो अधराज। उस डाकिनी ने तुमसे तुम्हारा बचपन और बचपना दोनों ही छीन लिया और तुम्हें अहंकारी बना दिया। पर अब नहीं, कल का सूरज उस डाकिनी का अंत और तुम्हारा भाग्योदय लेकर आएगा, और फिर कल की रात मैं पूरी तरह से अपने पति को अपना मानकर अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ूंगी।
मुझे बाहर निकालो यहाँ से, कुछ करो। बिना छुए इसको मासी को बाहर कैसे निकालूं? रागिनी की शक्तियां समाप्त हो गई होगी ना बाबा? हाँ बेटी, अब वो कितना भी प्रयास कर ले किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। शीशे की बरनी, ये कैसे हो सकता है बाबा? काकिनी भाग गई। आपने तो रक्षा सूत्र भी बांधा था, फिर उसे किसने खोला होगा? धूर्त डाकिनी ने बहुत बड़ी चालाकी की, लेकिन वो एक गलती कर बैठी, भाग तो गई लेकिन अपना केश छोड़ गई, और यह एक केश पर्याप्त है उसे पकड़ने के लिए। इसका मतलब डाकिनी को फिर से पकड़ना संभव है? हाँ बेटी, क्यों नहीं, जब अम्बे माँ का आशीर्वाद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। चल डाकिनी को कैद करते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकारेषु सर्वदा। अग्नि प्रकट हो, अग्नि देवता आप प्रकट हो, मैं आह्वान करता हूं। जय मां काली, महाकाली भद्रकाली कपालिनी। जय मां काली, महाकाली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आजा डाकिनी, धूर्त डाकिनी, जय मांबे, तेरी कृपा हो ना, प्रकट हो डाकिनी, तेरा अंश मेरे पास है। आजा आजा डाकिनी, आजा।
डाकिनी, तू कितना भी प्रयास कर ले, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। जय महाम्बे महाकाली। ये कैसे हो सकता है? मंदाकिनी मासी, ये डाकिनी निकालो, मुझे निकालो यहां से। अधिराज, आपको ये जो दिखाई दे रहा है सच नहीं है। बरनी से बाहर कैसे आ गई? देखा मां आपने, जिसे आप सहेली समझ रही थी वही डाकनी। चलने देखो, चलने देखो, मुझे छोड़कर भाग गई थी स्वार्थी चुड़ैल। हजारों बार बचाए तुम चुड़ैलों को, और जब मेरी बारी आई तो तुम दबाकर भाग गई। वो तो अच्छा हुआ स्वराज मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गया, वरना तुम चुड़ैलें तो मेरे विनाश का इंतजार कर रही थी। मुझे मुझे माफ कर दो चंद्रलेखा, मुझे माफ कर दो। क्षमा कर दीजिए हमें बेटा, हमें पता ही नहीं चला कि जिसे हम सहेली समझ रहे थे वो आस्तीन का सांप निकलेगा। पर अच्छी बात तो ये है कि डाकिनी पकड़ी गई, अब सारी परेशानियां दूर हो गई हैं हमारे महल से। मेरी बात सुनो, डाकिनी मैं नहीं हूँ, डाकिनी वो है। बोलो सुनैना, अब क्या करोगे इस डाकिनी के साथ? ये नहीं है असली डाकिनी। क्या ये डाकिनी नहीं है? मतलब सुनैना बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे इन्हीं सिद्ध बाबा ने तो इसे पकड़कर शीशे की बरनी में डाला था, तो फिर ये डाकिनी ही होगी ना? हाँ, ये मंदाकिनी। बोलने से पहले जरा अपने आगे पीछे देख लो। रोती रहती थी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें।
अब इस जगह दीदी ये सब क्या है? हाँ सुनैना, कुछ कह रही थी ना तुम कि वो असली डाकनी नहीं है, क्यों बचा रही हो उसे? देखो अब तो तुम्हारी बहन भी यहाँ आ गई है, हमारे बारे में नहीं कम से कम अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में तो सोचो। महल में सच्ची में डाकनी रहती है? दीदी तुम इस भयानक महल में कैसे रहती थी? डाकनी पकड़ी गई और आज उसे अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। आज बरसों के अत्याचार का अंत होने वाला है। आज हम आसपास के ग्रामीण भी उस दुष्ट डाकनी का विनाश देखने आए हैं। इस राजमहल से डाकनी का 21 साल का राज समाप्त होने वाला है। सच काकी, सुनैना बिटिया ने बहुत बड़ा काम किया है। ये सब अम्बे माँ की कृपा है। मेरी सुनैना तो लाखों में एक है। बोलो ना सुनैना, तुम क्या बोल रही थी कि ये असली डाकनी नहीं है तो फिर कौन है? बहुत उड़ रही थी ना, पर चंद्रलेखा को पर कतरने अच्छी तरह से आते हैं। इधर तुमने अधिराज को सत्य बताया, उधर तुम्हारी बहन की जान गई। वो औरत जो बरनी में बंद है वो डाकिनी तो है, पर सबसे मुख्य डाकिनी नहीं। सच बताकर मैं अपनी तारा के जीवन को संकट में नहीं डाल सकती, मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। इसे कहीं दूर ले जाकर जला दीजिए ताकि इसका काला साया हमारे राजमहल पे दोबारा ना पड़े। विनाश कर दो इसका। जी। ये माँ कहाँ चली गई? कब से ढूंढ रहे हैं, कब से माँ को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। माँ! अगर अपना मुंह खोला तो हमारी पोल खुल जाएगी। और तुम भी तो यही चाहती हो ना कि अधिराज को ये पता ना चले कि तुम एक चुड़ैल हो। पर चुप कैसे बैठे? माँ है वो मेरी। रानी माँ कुछ कीजिए, बचाइए मेरी माँ को। उन्होंने बरसों तक आपकी सेवा की है, बचा लीजिए मेरी माँ को। अधिराज! अधिराज, अधिराज हमारी माँ को छोड़ दीजिए, मत मारिए अधिराज, छोड़ दीजिए हमारी माँ को। अपने आप को संभालो कनक, तुम्हारी माँ एक डाकनी है। उन्होंने इस महल पर, इस राज्य पर बहुत अत्याचार किए, अब उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। अधिराज, 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 आपको मेरी माँ को आजाद करना ही होगा। अधिराज, अधिराज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। अधिराज, उनके बारे में सच जानते हुए भी तुम उन्हें आजाद करने की बात कर रही हो?
कहीं तुम इनका सच पहले से तो नहीं जानती थी? या फिर तुम उनकी किसी योजना का हिस्सा थे? बोलो। बेटा, हमें पता है, कनक को भी हमारी ही तरह अपनी माँ की सच्चाई के बारे में अभी ही पता चला होगा। डाकिनी ही सही, पर है तो इसकी माँ ना, तो बेटी को दर्द तो होगा ना इसकी माँ के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई जानकर। हमें कुछ नहीं पता धीराज, हमें किसी योजना के बारे में नहीं पता, बस हमारी माँ को छोड़ दीजिए, उन्हें मत मारिए धीराज, हमारी माँ को छोड़ दीजिए। कनक, इस डाकिनी ने, हमारा मतलब है तुम्हारी माँ ने सबके साथ बहुत बुरा किया है, तो इसे तो दंड देना ही होगा। ले चलो इसे। जी। बुद्धि से काम लो कनक, अधिराज इस वक्त बहुत क्रोधित है, एक छोटी सी भूल करोगी और हम सब खत्म। स्वराज, तुमने उस आफत की बहन को लाकर बहुत बड़ा कार्य किया है, पर खतरा अभी टला नहीं, शायद तुम्हें मेरा एक और कार्य करना होगा, तैयार हो जाओ। बोलांबे माँ की। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाय प्रयक्षति। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाय प्रयक्षति। बोलो अम्बे मात की जय। अब चाह कर भी ये और इसका कुप्रभाव इस दैविक घेरे के बाहर नहीं आ सकता। कर दीजिए बाबा इस डाकनी को। हाँ हाँ, छोड़ना मत इसे। मार डालिए, मार डालिए, मार डालो डाकनी को। हाँ हाँ बाबा, खत्म कर दो। मार डालिए, मार डालिए। रानी माँ, आप इतनी शक्तिशाली होकर भी मेरी माँ की मदद नहीं कर पा रही हैं, क्यों बताइए ना रानी माँ। अगर मैं ऐसा कुछ भी करती तो अधिराज और पूरे गांव को ये पता चल जाता कि कोई और भी है जो मंदाकिनी का साथ दे रहा है, और फिर ये बाबा हम सबको कैद कर लेता। मार डालिए, मार डालो इनको। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस बाबा ने माँ को शीशे की भरनी में बंद कैसे किया। अब ये सब इस आफत की चाल है, पर तुम चिंता मत करो, हम इसका बदला जरूर लेंगे, और मैं वादा करती हूँ तुमसे कि अधिराज से तुम्हारा विवाह करवा कर रहूंगी। आज से आप सब अपने हृदय से डाकिनी के भय को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आज से हमारा राज्य डाकिनी के इस काले साय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। राजकुमार, खत्म कर दीजिए इस डाकिनी को। खत्म कर दीजिए इस डाकिनी को बाबा। हाँ हाँ, खत्म कर दीजिए इस डाकिनी को। मार डालिए बाबा इसको। मार डालो डाकिनी को। मार डालो डाकिनी को। धूर्त तुम,
धोखेबाज हो। देखना तुम्हारा अंत मुझसे भी ज्यादा बुरा होगा, देख लेना। तो बुलंबे मा की ओम ज्ञानी देवी भगवती बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति ओम ज्ञानी नाम पिचेतांस देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति ओम पिचेतांस देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति ओम ज्ञानी नाम पिचेतांस देवी भगवती हिसा अगर मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तो गांव वालों को संदेह हो जाएगा। स्वराज असली डाकिनी अभी भी आजाद घूम रही है। समझ गए ना? और वो महाडाकिनी अभी भी आजाद घूम रही है। और वो महाडाकिनी है जानती हूँ। इस चालाक डाकिनी ने फिर से कोई जादू करके खुद को अदृश्य कर लिया है। मैं असली डाकिनी नहीं हूँ, मुझे मत मारो।
बाबा अगर उसकी बात सच हुई तो? हाँ, अगर असली डाकनी कोई और हुई तो? उसने तो सुनाने वैन की तरफ इशारा किया था। हाँ हाँ, इधर इशारा कर रही थी। सुनैना डाकनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज सुनैना की वजह से डाकनी पकड़ी गई है। पर उस डाकनी ने सुनैना बहन की तरफ ही इशारा किया था। सुनैना बिटिया डाकनी हो ही नहीं सकती। मगर ये हम कैसे मान ले? मानना पड़ेगा, क्योंकि अंबे माँ की भक्त है। ये कोई चुड़ैल या शैतान नहीं है, देवी का रूप है मेरी सुनैना। अपनी बच्ची के प्रेम में मत भागिए काकी। जरा ये सोचिए कि उस डाकनी ने इनके तरफ ही इशारा क्यों किया। पतिराज, एक राजा का आभूषण क्रोध नहीं धैर्य होता है, और आपको धैर्य से प्रजा की सारी बातें सुननी पड़ेगी। आप सब लोग मुझे बचपन से जानते हैं, मैंने आज तक किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। अरे, हमारी भाभी ने ही तो इस डाकनी का अंत किया है, और आप सब लोग इन्हें ही गलत ठहरा रहे हैं। तो ये साबित करके दिखाएं कि वो डाकनी नहीं है। ठीक है बाबा, कहिए आप इन गांव वालों के मन की शांति के लिए हमारी भाभी की परीक्षा लीजिए। सुनैना कोई परीक्षा नहीं देगी। अरे, कहीं जाकिरी ने राजकुमार के दिमाग पर कब्जा तो नहीं कर लिया? नहीं अधिराज, हम तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते। सुनैना, एक अच्छे राजा सदैव अपनी प्रजा की सारी बातें सुनते हैं। इस क्रम में कई बार उनके हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है उन्हें, ताकि उनकी प्रजा के हृदय को ठेस ना पहुंचे। और आप उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। पर तुम सुनो, मेरी चिंता मत कीजिए अधिराज, मैं जानती हूँ राजा की मर्यादा बचाने के लिए उनकी धर्म पत्नी को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ती है। पता कीजिए असली अग्नि कौन है। शांत, आप लोग शांत हो जाइए। तो ठीक है, सूर्योदय के समय डाकनी को किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सकता, और ना ही ईश्वर डाकनी की साधना को स्वीकार करते हैं। सुनैना बेटी, कल तुम्हें अंबे माँ के मंदिर में प्रातःकाल 101 दिए जलाने होंगे। यदि सुनैना डाकनी हुई तो अंबे माता इनकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगी। क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो बेटी? हाँ, हम तैयार हैं। अधिराज, तुम कल कोई परीक्षा नहीं दोगी, और किसी ने भी तुम्हारे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की तो उसे हम बंदी बना लेंगे। नहीं, प्रजा के मन में अगर जरा सा भी संदेह है
तो उसे दूर करना आपका कर्तव्य है अधिराज। और तुम्हारी मान मर्यादा की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सुनैना। एक राजा के लिए अपनी प्रजा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर राजा के लिए प्रजा से अधिक महत्व कुछ और रखता तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। इसलिए आज आपको एक पति नहीं बल्कि एक राजा के रूप में निर्णय लेना होगा। अंबे माँ की इतनी बड़ी भक्त है दीदी, फिर भी उनकी परीक्षाओं का अंत ही नहीं होता। पता नहीं दीदी को कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। परीक्षाएं तो क्षमता बढ़ाती है बेटा। कहते हैं भगवान भी अपने ही भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों की क्षमता पर पूरा भरोसा होता है। देखना, अंबे माँ सुनैना को सफलता जरूर देंगी। अंबे माँ पर पूरा भरोसा है मुझे, मैं सफल जरूर होगी। और फिर मेरी ये सफलता प्रजा का भरोसा भी जीतेगी। ये हम क्या सुन रहे हैं अधिराज? अब अपनी प्रजा का विश्वास जीतने के लिए हमारी बहू को परीक्षा देनी होगी। आशा है आपने उनकी ये मांग को अस्वीकार कर दिया होगा। नहीं माँ, हमें सुनैना की जिद के आगे झुकना पड़ा। मैं सुनैना की सफलता के लिए मंदिर में दीपक जला कर आती हूँ। नानी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू यही आराम कर, मैं अभी होकर आई। तुम यहाँ कैसे? वो खिड़की से। क्षमा करना, मुझे ऐसे चोरों की तरह नहीं आना चाहिए था, पर मैं क्या करता, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही थी। इसे कितना ध्यान रहता है मेरा। स्वराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। सुनने ना परीक्षा देगी और उसमें सफल भी होगी, और हम हर हाल में अपनी पत्नी के साथ हैं। वैसे जब डाकनी खत्म हो रही थी तो आप दिखाई नहीं दी, कहाँ थे आप? वो अच्छा, तभी अब हम क्या बताएं, जब से कनक को पता चला है कि उसकी माँ एक डाकनी थी, उसका कितना बुरा हाल है। बस उसे थोड़ा सा दिलासा देने गए थे। देखा ना आपने कितनी घृणा करते हैं अधिराज उस डाकिनी से। सरा सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा कि वो असली डाकिनी कोई और नहीं, उनकी मुंह बोली माँ है,
तब वो आपसे कितनी घृणा करेगी। और ये घृणा आपके समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होगी। शायद तुम ये भूल रही हो कि समाप्त तुम होने वाली हो, मैं नहीं। क्योंकि प्रजा को संदेह तुम पर है, परीक्षा तुम्हारी है और असफल भी तुम्हें ही होना है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तो अपने साथ रखना ही पड़ेगा सुनैना के विरुद्ध तुम्हारा उपयोग करने के लिए। अंत आ गया है तुम्हारी बहन का। अंत तो हमेशा बुराई का होता है, वैसे भी तुम्हारे पाप का घड़ा तो भर चुका है डाकिनी, और तुम्हारा विनाश तो बहुत नजदीक आ चुका है डाकिनी। क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊंगी। क्या हुआ? पहले तुम खुद को तो बचा लो, फिर मेरी फिक्र करना। और मैं वादा करती हूं कि तुम्हें इस परीक्षा में सफल तो मैं होने नहीं दूंगी। और अब मंदाकिनी के बाद तुम जलोगी, वो भी तुम्हारे अपने गांव वालों के सामने। बहुत अहंकार है ना तुझे, तो सुन ले डाकिनी, अहंकार के वृक्ष पर विनाश के फल लगते हैं। इस अहंकार ने तो दस्तर वाले रावण का भी अंत कर दिया, फिर तुम तो एक मामूली सी डाकिनी हो। बहुत अहंकार है ना तुझे, तो सुन ले डाकिनी, अहंकार के वृक्ष पर विनाश के फल लगते हैं। इस अहंकार ने तो दस्तर वाले रावण का भी अंत कर दिया, फिर तुम तो एक मामूली सी डाकिनी हो। काढ़ा पी लो, तुम इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अंबे माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दे। से तुम हमारी पत्नी नहीं, हमारी अच्छी मित्र भी हो, सबसे अच्छी। इतनी भोली सी लड़की पर कोई संदेह कैसे कर सकता है भले? कल चाहे जो कुछ हो जाए, हम तुम पर आज नहीं आने देंगे।
ये एक पति का वादा है। जानती हूँ तुम्हें मेरी कितनी चिंता हो रही है, पर देख लेना अंबे माँ इस चिंता की रात को सुखद सुबह में जरूर बदलेंगी। सुने ना बेटा, अंबे माँ पर पूरा भरोसा रखना। याद रहे कि इसी श्रद्धा और भरोसा के बल पर सागर में सेतु बनाया गया था, और फिर एक भक्त के लिए माँ के द्वार में दीपक जलाना कौन सी बड़ी बात है। बेटी सुने ना, आगे बढ़ो। तुम यहाँ बैठकर अपनी माँ की मृत्यु का शोक मना रही हो, और वहाँ वो आफत जिसके कारण तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई वो हमें फिर से पराजित करने की तैयारी कर रही है। तो क्या करूँ मैं? अपनी माँ की मृत्यु का बदला लो, और किसी भी तरह ये साबित कर दो कि वो लड़की ही असली डाकनी है, क्योंकि उसी के कारण तुम्हारी माँ और मेरी सबसे अच्छी सहेली मंदाकिनी का विनाश हुआ, और अब हमें उस लड़की का विनाश करना होगा। तो बताइए रानी माँ, मुझे क्या करना चाहिए? उस लड़की को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। सुने ना, मंदिर की सीढ़ियों से लेकर अंबे माँ के मूर्ति तक 101 दिए प्रज्वलित करेगी। यदि ऐसा करने में यह सफल हो गई तो इससे यह सिद्ध होता है कि सुनैना डाकिनी नहीं है। Sarva Dure
पूजा शुरू हो गई मासी। इसका मतलब है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से मौसम बदल दूंगी और कनक तेज हवाओं का निर्माण करेगी जिससे वो आफत दिए जला ही ना सके। बस इतना याद रखना कि जब वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचेगी तब हमारी शक्तियां काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए उसके वहां पहुंचने से पहले उसके सारे दिए बुझाने होंगे। और स्वराज, तुम अपने चमगादड़ों से कह देना कि वो बस लोगों को भड़का दे। अंबे मां, सुनैना बिटिया को सफल कर देना। अगर ये सच में दाखिली हुई तो मैं जानती हूँ ये फिक्र टाकी नहीं डाल रही है, फिर कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। गांव वालों, तुमने दिए नहीं जला पा रही है। ये सब क्या हो रहा है अंबे मां? देखो गांव वालों, अचानक मौसम कितना खराब हो गया है, लगता है ये भी डाकने की चाल है। देखो ये बुझ रहे हैं, यही है डाकिनी। हाँ यही डाकिनी। नानी इधर आ जाओ, गांव वाले पत्थर मार रहे हैं। बेटे तू मुझे छोड़, सुनैना को तो दे। ऐसे मारो, 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 मारो इसे, रुक जाइए, रुक जाओ। तुम हमारी पारस जैसी पवित्र धर्म पत्नी को डाकनी कैसे बुला सकते हो? इसके हृदय में दया है, उपकार है, प्रेम है।
की भक्ति है, कोई शैतानी शक्ति नहीं। यह अधिराज हमेशा मेरी मेहनत पर पानी फेर देता है, मगर आज नहीं, आज इस आफत को खत्म होना ही होगा, फिर चाहे मुझे इस अधिराज को दंड ही क्यों ना देना पड़े। लगता है कि डाकिनी ने हमारे राजकुमार पर भी कोई जादू टोना किया है। हाँ, ये तो राजकुमार को मारना चाहती है, जैसे परसों पहले राजा साहब को मारा था। मारो और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इस परीक्षा में सफल तो मैं होने नहीं दूंगी, और अब मंदाकिनी के बाद तुम जलोगी, वो भी तुम्हारे अपने गांव वालों के सामने। मुझे दीदी और राजकुमार को बचाना होगा। बच्चों, जादुई विष तुम्हें तुरंत बेहोश कर देगा। मैं जानती हूँ ये विष बहुत ही खतरनाक है, पर क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अधिराज, अधिराज आंखें खोलो। नानी, तारा, अधिराज, तारा, तारा देख तो बेटा को क्या हुआ? देख तारा, देख क्या हो गया आपको? जय माता दी। रानी साहब, राजकुमार को घोड़े पे जल्दी से बिठाइए और गुप्त स्थान पर पहुंचिए, मैं वहां मिलता हूं। काका, आप चौंक क्यों गए? अधिराज ठीक हो जाएंगे ना? बोलिए ना काका। ये हो क्या रहा है? तुम लोग इतने निकम्मे क्यों हो? इतना आसान काम भी नहीं हो पाता तुम दोनों से। उस लड़की की बहन से भी हम पराजित होंगे। हाँ, तारा की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना, अपनी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभा पाते तुम? हाँ, पता है ना तुम्हें, वो लड़की खुद तो भागी ही, साथ में अधिराज को भी भगा कर ले गई। क्या होगा अगर उसने अधिराज को सारा सत्य बता दिया तो? रानी माँ, उससे पहले उस आफत को खत्म कर दीजिए रानी माँ, क्योंकि ये काम आप जैसी शक्तिशाली डाकिनी ही कर सकती है।
अप्पा चप्पा ढूंढो और पता लगाओ कि वो आफत अधिराज को लेकर कहां गई है। जाओ। और हाँ, अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश करे तो मार डालो उसे, पर ढूंढो उन दोनों को। जी रानी। उस आफत को चंद्रलेखा के कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ये कोई साधारण घाव नहीं है राजकुमार पर, जिसे जहर का प्रयोग किया है उस डाकिनी ने। अगर समय पर इनका उपचार नहीं किया गया तो इनकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। काका, इसका कोई तो काट होगा ना? इसका काट इनकी माँ यानी हमारी असली धानी साहब के पास, पर वो तो उस डाकिनी की कैद में है। तो क्या हो गया, मैं वहां जाऊंगी। पर आप वहां जाएंगी कैसे? बैल से सुरंग में जाना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे दूसरा रास्ता पता है। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं अपने सुहाग की जान बचा कर रहूंगी। अधिराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी से रानी माँ तक पहुंचकर उस शहर का तोड़ पता करना है मुझे। मुझे अधिराज की जान हर हाल में बचानी है। उस दिन सुरंग से निकलकर मैं यहीं आई थी। इसका मतलब सुरंग यहीं कहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है, यहीं कहीं आसपास थी वो सुरंग। मैं उस आफत का पता क्यों नहीं लगा पा रही हूं, आखिर कहां है वो? हे अंबे माँ, मुझे जल्दी से रानी साहब तक पहुंचना होगा, वरना मैं अधिराज को बचा नहीं पाऊंगी माँ।